नमस्कार, मैं सुजाता मिश्रा जन मीडिया टीवी से, और आज हमारे स्टूडियो में है विश्व विख्यात योग के बहुत ही जाने माने प्रतिभाशाली व्यक्ति श्री प्रेम भाटिया जी। और आज हम उनके बारे में जानेंगे कि उन्होंने अपना कार्यकाल कैसे शुरू किया, क्या प्रेरणा थी उनके पास जो उन्होंने इस वेज में अपने आप को डाला, और उनके पास ऐसा क्या आदर्श लेकर वो चल रहे हैं इस अभियान को लेकर। और जैसा कि हम जानते हैं कि वो एक फाउंडर भी हैं, विश्व योग संस्थान के फाउंडर हैं, तो ये सारी चीज़ें करने में उनको क्या समस्याएं आई, क्या प्रॉब्लम्स आई, ये सब आज उनकी ही जुबानी। सर आप जी जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सबको बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम आचार्य प्रेम भाटिया है और मैं विश्व भारती योग संस्थान का संस्थापक निदेशक हूँ। इसकी स्थापना 91 में हुई थी और अभी 30 वर्ष पूरे हो चुके हैं। और इस बीच में बड़ी सुखद यात्रा रही, कोई परेशानी नहीं आई, जी किसी प्रकार का हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि ओके हम इसे मिशन बना के चल रहे थे। हमारा ये मिशन था कि जो जो तकलीफें हमें आई हैं वो आप लोगों को ना आए, इसलिए ये बड़े सहज रूप से होता गया। तो जी हमें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आई है। ब्रदर, इट वॉज ए प्लेजर टू शेयर विद ऑल ऑफ यू माई एक्सपीरियंसेस और वट एवर आई कुड डू, वट एवर आई कुड थिंक, तो मैं शेयर करता गया और आपको अच्छा लगता गया और कारोबार आगे बढ़ता जी गया। सर जी सर ऐसा चलता रहा। जी सर, इसके लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? मतलब आपके पेरेंट्स या फिर आपके टीचर्स, क्या ऐसा आपके सामने आया? हाँ, मतलब बचपन में मैं योगाभ्यास करता था तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। और धीरे धीरे जैसे रूटीन के अंदर हम कॉलेज में जाते हैं तो थोड़ा लापरवाह हो जाते हैं ना, और इसके बाद फिर जॉब में गए तो और लापरवाही हो गई और ध्यान नहीं दिया। तो जॉब काफी डिमांडिंग थी, जॉब काफी काफी रिक्वायरमेंट होती थी काम करने की, और धीरे धीरे शरीर पर ध्यान छूटता गया। और फिर धीरे धीरे मैंने देखा कि तकलीफ बढ़ती गई है ना, तो कमर में दर्द होना शुरू हो गया। लेकिन कुछ रिक्वायरमेंट ऐसी थी कि कमर दर्द को अनदेखा करना पड़ा या कुछ दवाइयां खानी पड़ी, पेन किलर्स, ताकि हम काम करते रह सके, काम पूरा हो जाए। तो ध्यान काम पर था, कमर पर नहीं था। काम ध्यान काम पर था, अपने तन पर नहीं था। तो धीरे धीरे ऐसा हुआ कि काफी तकलीफ बढ़ गई और फिर मेरा ऑपरेशन हुआ। अच्छा तो व्हेन आई वाज 31, 31 वर्ष की उम्र में मेरा ऑपरेशन हो गया था कमर का। अच्छा और काफी दिक्कतें आई। और प्रेरणा किससे मिली आपने कहा, तो मैं ये सोचता हूँ कि जब मैं ऑपरेशन करवा लिया था, मैं बॉम्बे में था उन दिनों में, ऑपरेशन हो गया तो करीब करीब हर महीने 15 दिन के बाद मुझे चेकअप के लिए जाना पड़ता था। और JCN जोशीपुरा सर्जन थे हमारे, बहुत ही शानदार पारसी डॉक्टर थे, बड़े अच्छे थे। और मैं जब 3 महीने के बाद गया तो मैंने कहा, डॉक्टर साहब वापस पेन शुरू हो गई है, वैसी पेन हो गई है जैसे पहले थी। तो कहेंगे ठीक है, आप लेटो, मैं चेकअप करता हूँ। तो उन्होंने चेक किया, पूछा कि आप एक्सरसाइजेस कर रहे हो जो मैंने बताई थी। मैं कहा, सर वो मैं एक्सरसाइज तो नहीं कर पाया, ये हो गया वो हो गया, लोग आ गए थे मिलने के लिए और समय नहीं मिला, कोई ध्यान नहीं किया। तो डॉक्टर साहब ने मुझे कितनी अच्छी बात बताई, मैं जिंदगी भर उनका आभारी रहूंगा। कहने जी लगे, प्रेम भाटिया जी आपके 18 ऑपरेशन हो सकते हैं कमर में, 18 वर्टिब्रास होते हैं ना, तो जी कहने इतने ऑपरेशन हो सकते हैं कमर में, लेकिन मैं आपका दूसरा ऑपरेशन नहीं करूंगा। मुझे आप ये कहिए कि आपने खाना नहीं खाया, आप मुझे कहिए मैं सोया नहीं, मुझे आप कहिए कि मैं कहीं गया नहीं, मुझे ये मत कहिए आकर के कि मैंने एक्सरसाइज योग नहीं किया। नहीं की। यदि एक्सरसाइज नहीं करोगे तो मैं दोबारा चेकअप ही नहीं करूंगा आपका और दोबारा ऑपरेशन भी नहीं करूंगा। माई गुडनेस, मैं तब सोचा कि एक्सरसाइज इतनी इंपॉर्टेंट थी, तो
मैं पहले ही कर लिया होता तो मेरा ऑपरेशन ही नहीं होता। सही बात है, सही। तो अब ऑपरेशन के बाद मुझे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ये मेरा भ्रम टूटा। मुझे जी लगा कि ऑपरेशन करने के बाद मुझे एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ेगी और मैं बिल्कुल ठीक ठाक हो जाऊंगा, तो ये मेरा भ्रम टूटा। मुझे लगा कि एक्सरसाइज जब ऑपरेशन के बाद भी करनी पड़ती है तो हम ऑपरेशन से पहले क्यों ना कर लिया करें। तो मुझे लगा कि मुझे जो तकलीफ आई है, और मुझे करीब 1 साल रेस्ट करना पड़ा बेटा, अच्छा, 1 साल बेड पर रेस्ट करना आप पड़ा। बेड रेस्ट पे थे। अच्छा, तो कितना तकलीफ होती है ना, बहुत ज्यादा लेकिन मुझे सही। लगा कि और किसी को तकलीफ ना हो, वो पहले ही ठीक हो जाए, ऑपरेशन भी ना कराना पड़े, इस मिशन को लेकर के हमने योगाभ्यास शुरू किया ताकि किसी को कोई तकलीफ ना रहे। अच्छा, ये ठीक है ना, ओके जी, बिल्कुल सही। जब जब हम ऐसा सोच करके शुरू करते हैं कुछ भी, है ना, तो सोचिए दिल खुश होता है, दिल संतुष्ट होता है कि मैं कुछ अपनी बात बता पाया और आपको समझ आ गई और आपने अभ्यास शुरू कर दिया और आपकी तकलीफ थोड़े में ठीक हो गई। तो बिल्कुल सही से। क्यों आपको तकलीफ हो, इसलिए आपको तकलीफ ना हो, इसलिए हम सोच करके करते हैं। सर, कहा भी जाता है कि ऑपरेशन बिल्कुल लास्ट ऑप्शन होता है, और अगर कोई भी जी चीज़ एक्सरसाइज या योगा से ही ठीक हो जाए और हम स्वस्थ रह सकते हैं तो बहुत ही, ये तो हमारी प्राचीनतम धरोहर है और इस पर तो जी चलना ही चाहिए। सर, मेरा ये जी क्वेश्चन है कि आपने एक संस्थान खोला हुआ है, विश्व योग संस्थान, विश्व उसके भारती द्वारा, योग संस्थान, विश्व हाँ, भारती विश्व योग योग, संस्थान। अच्छा, तो सर इसकी स्थापना आपने कब की? हाँ, मैंने बताया ना कि 1991 में अच्छा मेरा ऑपरेशन हुआ था, 81 में जी, मेरा ऑपरेशन उसके कब हुआ था, जैसा। 81 में। ओके 81 के बाद मैं निरंतर इस साधना में लग गया कि किन किन प्रकार की तकलीफें हो सकती हैं जी, और वो योग से कैसे ठीक हो सकती हैं, ओके इसको इसको ढूंढने में मैं लग गया था। जी, तो 10 साल मुझे लग गए अच्छा, इस विद्या को पहचानने के हाँ, लिए यही कि मैं क्या जानना करना चाह रही थी कि चाहिए मतलब, जिससे 10 साल का बच्चा भी उसको पिकअप कर ले, इतना जी आसान होना चाहिए, और 90 वर्ष का वयोवृद्ध भी कर पाए, हर बीमारी में कर पाए और हर बीमारी से ठीक हो पाए। दिस अच्छा, वॉज माई 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 एम्बिशन कि मैं ऐसा कुछ समझ लूं, ऐसा कुछ प्रोड्यूस कर दूं, ऐसा कुछ दे दूं जिससे 10 से लेके 90 वर्ष तक सभी लोग कर पाए, पहली बात। दूसरा, कोई भी तकलीफ, भले वो पाचन की हो, भले वो दर्द की हो, भले वो जोड़ों के दर्द की हो, भले इंसोमनिया हो, भले ब्लड सर्कुलेशन की कमी हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, लो ब्लड प्रेशर हो, है ना, अल्सर हो, कॉन्स्टिपेशन हो, कुछ भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, वो कैसे ठीक की जाती है, मैं इस पर लग गया। तो अच्छा सर, 10 वर्षों के बाद जब मुझे तसल्ली हो गई कि जो कुछ मैं चाहता था मुझे मिल गया है, तब हमने ये शुरू मतलब आप किया। ये समझ गए थे कि अब मेरे पास सारे टूल्स हैं, कि इन सभी टूलों से अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसको सॉर्ट आउट कर देंगे। जी, बिल्कुल ठीक फरमाया आप, जी बिल्कुल ठीक फरमाया। सर, अगर देखा जाए, मैंने जहाँ तक आपके बारे में जाना है, आप फ्री में शिविर प्रोवाइड करते हैं, योग शिविर, और आपने जी गवर्नमेंट में और नॉन गवर्नमेंट दोनों जगह इसको किया हुआ है, तो सर इसका मतलब कैसे शुरुआत किया, मतलब आपको इसके लिए रिक्वायर्ड फंड वगैरह कैसे आप मैनेज करते हैं? नहीं बेटा, फंड्स कहाँ चाहिए होते हैं, अच्छा फंड्स कब चाहिए होते हैं, सर, सोचिए। प्लेस वगैरह जब जैसे आप जहाँ पे सिखाते होंगे। नहीं बेटा, नहीं देखिए, एक तो है जहां हम सिखाते हैं, जी क्लासेस चलती हैं, ठीक है जी ना, हाँ हाँ वहां एक अलग बात है, लेकिन अच्छा शिविर लेना जैसे अलग अलग लोग बुलाते हैं, है हाँ ना, हाँ जो भी गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट या मिलिट्री में, नेवी में, एयरफोर्स में, हमारे हजारों कैंप्स लग चुके हैं, हजारों, जी, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स कैंप्स, कैंप्स आपने होते लगा हैं दिए 10 दिन होंगे। के या मिनिमम 8 दिन के, जी वो हम फ्री लेते हैं, अच्छा, हम कोई चार्ज नहीं करते और हमारी कोई फीस नहीं रहती। मतलब अगर शिविर होते हैं तो वो अरेंज करते हैं, जो सामने वाली पार्टी हाँ, वो अरेंज करते हैं, या जो 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 जहां पे जो लग कर रहे रहे हैं। हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, वो हमें इनवाइट करती है कि हम ये व्यवस्था हम आपके लिए करेंगे, आप हमारे लिए आइए और कराइए, और यदि वो आने जाने की व्यवस्था कर देते हैं तो उनका धन्यवाद है, नहीं करते हैं, तो हम अपनी गाड़ी से अपने आप अपने जाते हिसाब से हैं, चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और हमारा कोई आग्रह नहीं होता, किसी भी चीज की हमारा आग्रह नहीं होता। वो मान लीजिए फिर भी भेंट स्वरूप में कुछ देते हैं तो हम फिर संस्थान में डाल देते हैं,
उपकार के लिए डाल देते, हमें कुछ नहीं चाहिए। अच्छा। हम अपने आप में बहुत संतुष्ट हैं, हम अपने आप में बहुत तृप्त हैं, हमारी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारे से यदि सेवा दे सकते हैं तो आप लीजिए, हमारी खुशी। सर एक अभी मेरे पास क्वेश्चन ये है कि अभी जो त्रासदी चल रही है, कोरोना की त्रासदी, उसके बारे में आपके कुछ टिप्स जो हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे जिनसे उनको कुछ फायदा पहुंचे। जी बेटा, ये इम्पोर्टेंट है कि कोरोना के अंदर मैंने पहले भी कुछ कार्यक्रम में मैं गया था, तो मैंने पहली बात ये बताई थी सबसे पहले कि पैनिक ही नहीं होना जी, घबराना नहीं है, चिंता नहीं करनी है जी, लेकिन सचेत रहना है, बिल्कुल ध्यान देना है। See, what we need to do is, कि हम केयरफुल हो जाएं, तो जो जो प्रिकॉशंस लेनी है वो ले सकते हैं, वो लेनी चाहिए, उससे आपका बहुत बचाव हो जाएगा। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम प्रिकॉशंस ही नहीं लेना चाहते और फिर ठीक रहना चाहते हैं, ऐसा हो नहीं सकता है जी। ये जो वायरस है ये बिना बुलाए नहीं आता, इसको हम जाकर के मार्केट से बुला के लाते हैं। यदि आप कहीं जाएंगे नहीं और घर में ही रहेंगे तो ये वायरस आपको हो सकता है सामान की तरफ से आ जाए, तो सामान को सैनिटाइज करना जी। उसमें प्रिकॉशंस ये लेना कि जो भी सामान आता है उसे अच्छे से सैनिटाइज कीजिए, एक दो दिन रुक जाइए वहां पर, उसके बाद उसको यूज कीजिए। फल सब्जियां सब कुछ ऐसा कर ही सकते हैं, बड़ा अच्छी बात है। हर फल को हर सब्जी को मीठे सोडे में आधा घंटा के लिए पड़ा रहने दीजिए, उसके बाद उसको धो डालिए, उसका सारा वायरस समाप्त हो जाएगा। फिर हाथों को धो लीजिए, क्लियर काम हो गया जी। दूर दूर रहिए, थोड़ी सी व्यवस्था बना के रखिए, मास्क लगा के रखें, मास्क से हम ठीक हो सकते हैं, है ना जी। तो ये सब चीजें इम्पोर्टेंट है। दूसरा स्टीम लेते रहिएगा, आप दिन में 3 बार स्टीम लीजिए, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, आपको तकलीफ नहीं होगी। आप अपने खान पान का ध्यान रखेंगे, आप कुछ भी चीज ना खाएं जो बाजार की बनी हो जी। या ऐसी कोई चीज ना खाएं जो आपको और इंडाइजेशन कर दे, आपकी सिंपल सरल घर में जो बनी हुई डाइट खाते रहते हैं आपको कभी तकलीफ नहीं होगी। हमें कोई दिक्कत नहीं होती बेटा, हमें कोई तकलीफ नहीं हुई है। अच्छा। यू नो, हमें कोई तकलीफ नहीं होती है क्योंकि आप यदि रोज वर्कआउट करते हैं जी, रोज अपना ध्यान रखते हैं, तो आप अपने अंदर इम्यून पावर बढ़ाते रहते हैं, आपकी चीजें अपडेट रहती हैं, आपको तकलीफ नहीं होती। तो तकलीफ ज्यादा किसको होती है, जिसका इम्यून पावर अपडेट नहीं होता, जो रोज में वर्कआउट नहीं करता, जो अपने बेध्यानी करता है, अपने आप पर ध्यान नहीं देता। तो जितना जितना हम इस पर ध्यान देते रहते हैं उतना उतना हम सही हो जाते हैं जी। जितना जितना ध्यान नहीं देते हम बीमार होने के कारण रहते ही हैं। तो ये कोविड क्या और कोविड क्या और बाकी बीमारियां क्या, सब एक जैसी हैं जी, कम ज्यादा ठीक है, इन्फेक्शियस है इसमें कोई शक नहीं है, ये काफी लोग इसे हो रहे हैं मैं समझता हूँ, लेकिन इससे बचा भी जा सकता है, हम थोड़ा एहतियात बरतेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी जी। हम ध्यान रख सकते हैं और बहुत जल्दी ठीक हो सकते हैं। अगली बात मैं समझता हूँ कि ऑक्सीजन की कमी। देखिए दो महत्वपूर्ण बातें हैं इसमें कोविड में बताना चाह रहा हूँ। एक बात ये कि यदि आपके शरीर के अंदर पानी की कमी होगी तो भी बीमारी बहुत जल्दी पकड़ेगी। अच्छा। जितना पानी कम होगा शरीर के अंदर उतना उसके अंदर कचरा फसा रहेगा, सफाई नहीं हो पाती है शरीर के अंदर और सिस्टम में, ठीक है। तो पानी जितनी प्यास लगे उतना नहीं पीना, पानी अपनी प्यास से दुगना पीना है, क्योंकि अंदर सारे सिस्टम को पानी चाहिए, आपको प्यास नहीं लगती बात अलग है, जितनी प्यास होती है उससे दुगना पीना चाहिए ताकि अंदर के सिस्टम को भी पानी मिल सके जी। तो जितना हम हाइड्रेटेड रहेंगे उतने हम स्वस्थ रहेंगे, उतना हमारा हम प्रॉब्लम से बचे रहेंगे। दूसरी बात, जितनी हमारी ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाएगा उतनी हम प्रॉब्लम में आएंगे जी। क्योंकि ये फेफड़ों को अटैक करता है वायरस, और यदि फेफड़े में अंदर कचरा पहले ही पड़ा हुआ है तो उसकी मौज हो जाती है, पहले ही बैक्टीरिया भरे रहते हैं, कचरा भरा रहता है वो और आकर के उसको है ना बैड टू वर्स कर जाता है। तो ध्यान क्या देना है कि हमारे लंग्स भी साफ है या नहीं है। लंग्स साफ कैसे होंगे, जितना आप एग्जॉस्ट करोगे, जितना सांस को हम बाहर निकालते हैं उतना फेफड़े साफ होते रहते हैं जी। जितना हम सांस बाहर नहीं निकालते उतना उसके अंदर कचरा बना रहता है जी। तो ज्यादा आपको पता है बेटा कि हमारे लंग्स की कितनी कैपेसिटी है। अच्छा। हमारी लंग्स की कैपेसिटी करीब 1800 सीसी है। अच्छा। कितनी है, 1800 सीसी। 1800 सीसी जी। लेकिन हम जनरली सांस लेते हैं और छोड़ते हैं कितना सीसी मालूम है, 80 to 120 सीसी।
बाकी 1700 सीसी करीब करीब अंदर ही है, अनयूटिलाइज रहती अनयूटिलाइज हो है, जाती है। अनयूटिलाइज रहती है, तो उसमें कचरा ही फंसा रहता है। जी जब उसमें कचरा पड़ा रहेगा तो थोड़ी सी भी वायरस अंदर जाएगा तो उसकी मौत हो जाएगी। अंदर ऑलरेडी कचरा था और जो कचरा फैला देगा। और यदि आपके लंग साफ है, अंदर कचरा नहीं है, तो वो जाकर के कुछ भी ज्यादा काम नहीं कर पाएगा, उसको काफी टाइम लगेगा अपनी अपनी बीमारी फैलाने के लिए। तो अच्छा जितने लंग्स आपके साफ होते जाएंगे उतने ऑक्सीजन लेवल आप ज्यादा कर लेते हो, क्योंकि सांस बाहर से तो आता ही है, अंदर आता ही है, उसमें ऑक्सीजन ड्राइव कर ही लेता है लंग्स, उसी से हमारा ब्लड सर्कुलेशन बेटर होता है, उसी हेमोग्लोबिन बढ़ता है, उससे सारी बीमारियां ठीक होती हैं। जी जब सांस ही हमारा ठीक से नहीं जाएगा आएगा तो बीमार नहीं होंगे क्या? सही बात है। मुझे लगता है कि जो लोग जितना निष्क्रिय रहते हैं, जितना अपने पे ध्यान कम करते हैं, उतने ज्यादा बीमार होंगे। जो ऑलरेडी प्रोन है प्रॉब्लम से, डायबिटीज है, हार्ट अटैक है, अर्थराइटिस है, क्रॉनिक प्रॉब्लम्स है, वो सारे के सारे वो ज्यादा उससे पीड़ित होंगे जल्दी। हाँ, क्योंकि उनके अंदर पहले से ही डर्ट है। ऑलरेडी ऑलरेडी डाउन है, ठीक है ना? इसलिए हम जितने अपडेट होंगे, जितने हम साफ रहेंगे तन से, उतनी तन की बीमारियां कम होंगी। जी और जितने साफ रहेंगे मन से, उतनी परेशानियां कम होंगी। सर, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है। जी तन से जितने साफ रहेंगे तो उतनी बीमारियां कम होंगी, मन से जितने साफ करेंगे रहेंगे उतनी परेशानियां कम। परेशानियां कम रहेगी। जी, तन और मन ये दोनों ठीक को है। साफ रखना चाहिए, आई थिंक। मैं कल भी शेर सुनाया था, आज भी जी सुना देता हूँ, शायद आपको अच्छा लगे। जी मैं शेर अर्ज करता हूँ कि तन को भी कुछ वक्त देना चाहिए, तन को भी कुछ वक्त देना चाहिए, मन को तो हर वक्त देना चाहिए। सर, इस पे तो एक क्लैप बनता है, बहुत ही अच्छी शायरी है। और मतलब इस वक्त जो कोरोना टाइम चल रहा है, उसमें एक मतलब अलग सी फीलिंग आ रही है आपसे बात करके, और बहुत अच्छा लग रहा है। जिस टॉपिक पे आपने जो चीज़ें बताई हैं, मतलब सावधानी, सबसे मेन चीज़ है सावधानी रखना, और जितनी साफ सफाई से रहेंगे उतना हमें कोई भी प्रॉब्लम इफेक्ट नहीं करेगी। सर, बिल्कुल मैंने बिल्कुल आपके बारे में सुना कि आप लिखते बहुत अच्छा है, आप बोलते तो है ही बहुत अच्छा, आप लिखते भी बहुत अच्छा है। तो मैं थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहूँगी। जैसे मैंने सुना है कि आपने लिखा है योगा है ईजी, नहीं, योगा एंड ईजी अप्रोच, और जाने जिंदगी, आईना ए हकीकत, मैं और मेरी दुनिया, जागृति क्रम जागृति, आओ खुशियों की दीप जलाए, ये कुछ रचनाएं हैं जो आपने लिखी हुई हैं। तो जी, बड़े पुस्तकें हैं, अच्छा, ये पुस्तकें हैं। ये पुस्तकें अच्छा हैं जी, और इनमें बहुत सारी रचनाएं हैं, अच्छा ये तो पुस्तकों का नाम है। अच्छा सर, ये जो लास्ट वाला है, आओ खुशियों की दीप जलाएगी, क्या मतलब इसमें आपने क्या दिया हुआ है, इसमें टॉपिक क्या है, इसमें आपने क्या बताया है? ये भी शेरो शायरी की किताब है। अच्छा, इसमें भी शेर है, कुछ रचनाएं ही देखिए, ये है, अच्छा, और आओ खुशी खुशी की की दीप दीप, जलाए, ओके, ठीक है? अच्छा तो ऐसे ही दो पार्ट में है, पार्ट 1 पार्ट 2, अच्छा ठीक है? तो इसके अंदर भी वही शेर है, कुछ अच्छी अच्छी बातें हैं, कुछ जिंदगी से जुड़ी बातें हैं। जी आप जो कहेंगे वो पढ़ देता हूँ मैं। आज 28 अप्रैल है ना? हाँ जी जी आज 28 अप्रैल है, तो आज 28 अप्रैल का मैं पढ़ देता हूँ, ये क्या लिखा हुआ है 4 लाइनें, ठीक है? जी ये देखिए, ये अभी जो बात कर रहे थे बिल्कुल उसी बात के संदर्भ पे आ गया है। ये देखिए क्या कहना चाहते हैं कि खुद पड़ा हो जो बड़ी तकलीफ में, खुद पड़ा हो जो बड़ी तकलीफ में, वो किसी के वास्ते भी क्या करे। जो खुद बीमार पड़ा है वो किसी के लिए किसी क्या के करेगा? क्या कर पाएगा? जो खुद पड़ा हो किसी तकलीफ में वो किसी के वास्ते भी क्या करे। तन की दिक्कत तो हमें आती समझ, कोई तन से बीमार होता है तो हम फटाफट समझ जाते हैं बीमार है। तन की दिक्कत तो हमें आती समझ, मन की दिक्कत का कोई क्या करे। मन बीमार होता है तो पता भी नहीं चलता, पता भी नहीं चलता, और वो कुछ भी कर भी कुछ नहीं सकता है। सही बात है सर। तो हम तन तक हमारा लेन देन रहता है बेटा, तन तक हम एक दूसरे को देख पाते हैं, समझ पाते हैं। हम बीमार होते हैं तो तन से बीमार होते हैं तो सारे छूट दे देते हैं, लेकिन हम मन से बीमार होते हैं तो कोई छूट नहीं देता है।
है ना। और मन से बीमार हम अक्सर रहते ही हैं। सही। मन हमारा इतना अच्छा नहीं रहता बेटा जितना हम कहने की कोशिश करते हैं या जितना हम दिखते हैं, उतने हम अच्छे तो नहीं होते ना। जी। ठीक है ना जी। तो हमारा मन कैसे अच्छा रह पाए, मैंने इसके ऊपर एक लिखा था, तन अगर ना ठीक हो तो सारे दे देते हैं छूट। जी। अभी आपको टेम्परेचर सा हो गया हो है ना, तो कहेंगे ठीक है आप जाइए, है ना, विकासी भी कहेंगे नहीं बेटा जाओ। ठीक है, तन अगर ना ठीक हो तो सारे दे देते हैं छूट, मन अगर ना ठीक हो तो कौन दे देता है छूट। अच्छा। इसका मन ही ठीक नहीं है तो कौन छूट देगा। सही बात। तो मैंने दो लाइनों में उत्तर भी दिया है, छूट तन की देने वाला तन से होता है सही। जी। छूट तन की देने वाला तन से होता है सही, छूट मन की देने वाला मन से होता है सही। सही बात है। ठीक है ना। तो जो मन किसी ने कुछ उल्टा सीधा कह दिया है ना, कुछ ऐसा कह दिया जो शायद नहीं कहना चाहिए था, तो वो उसको कौन सहन कर लेगा, जो मन से अच्छा होगा। तो कोई बात नहीं, तुम वैसे बहुत अच्छे हो, लेकिन कभी 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 कुछ ऐसा आवेश में आपने ऐसे कह दिया पर आप ऐसे नहीं हो, तो ये कौन सहन कर लेगा, जो अपने मन से अच्छा होगा। नहीं तो तुमने एक कुछ उल्टा सीधा कहा तो मैं दो सुनाऊंगा, ये हमारा मन रहता है। ये क्या समझदारी हो, ये ठीक है। जी सर। ठीक है सर, अब मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि आप इस समय यूथ को, आप आपकी तरफ से जो इतने सारे आपने अनुभव गेन किए हुए हैं, आज की यूथ को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बढ़िया 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 बढ़िया। ठीक है, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैं खुद भी यूथ के लिए बना। सर आप तो अभी यूथ ही है, मतलब आप इतने एनर्जेटिक है कि मैं आपके सामने बिल्कुल ये कह रहा बेटा, ये कह रहा, थैंक यू वेरी मच। इनफैक्ट हम ना यूथ को यदि हम समझना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि हमें दो चीज समझना पड़ेगा। सी, एक है फिजिकल लेवल, उम्र का फिजिकल लेवल तो नहीं माना जिसमें हमें लगता है कि हम यूथ हैं। हाँ। फिजिकल लेवल से यूथ जी, मेंटल लेवल से है या नहीं पता नहीं जी। तो यूथ कौन होता है, मुझे लगता है मेंटल लेवल से यूथ वो होता है जो समझने के लिए तैयार होता है। सही बात है सर जी। जो सही समझने के लिए तैयार है, जो सही चेक करने के लिए तैयार है, जो सही को ढूंढने के लिए तैयार है, जो जनवन होने के लिए तैयार है, जो जनवन क्या होता है इसको ढूंढने के लिए तैयार होता है, वो जवान होता है जी। जिसको सुनना ही कुछ नहीं है, जिसको समझना ही कुछ नहीं है, जो चाहता ही नहीं कुछ हो सकता है, वो इतना निराश होता है, इतना उदास होता है, वो खुद अपने से उदास होता है, उसको लगता है सारे ऐसे ही हैं, सारे ऐसे ही हैं, ये बुढ़ापा है, ये जवानी नहीं है। सही बात है सर। फिजिकल लेवल की जवानी वो नहीं कहते, जवानी वो क्या है ना, जो दूसरों की तकलीफों को भी हर ले, अपने को भी ठीक कर ले, दूसरों को भी ठीक कर ले, वो जवानी है। अपनी हिम्मत इतनी हो कि हम भी ठीक रहें और हम दूसरों को भी प्रेरणा दे पाए, ये तो जवानी की बात हुई ना जी। ये क्या जवानी की बात है, तो हम खुद ही ठीक नहीं है और दूसरों को भी ले डूबेंगे सनम जी, ये क्या जवानी हुई, ये क्या बात हुई। सही बात है। मुझे नहीं लगता कि जवानी सिर्फ फिजिकली होती है, जवानी होती है मेंटल, असली हम मेंटल ज्यादा है बेटा, मेंटल कितने अच्छे हैं, हमारा मन कितना अच्छा है, हम मन से कितना उत्साहित है, हम मन से क्या सोचते हैं जी। एक शेर सुना देता हूँ जाते जाते जी, जी, जी। आप अच्छे हैं बहुत, मैंने सब आपके लिए लिखा है, आप अच्छे हैं बहुत इसमें तो कोई शक नहीं, आप अच्छे हैं बहुत इसमें तो कोई शक नहीं, और अच्छे होने की संभावना है या नहीं, और अच्छे होने की संभावना है या नहीं जी। तो यदि संभावना हमें नजर आ रही है बेटा तो आप जवान है। सही बात है। यदि आपको कोई संभावना नजर नहीं आ रही है तो आप, आई एम सॉरी, कुछ भी हो सकता है। मुझे बहुत संभावना नजर आती है अपने अंदर और बेहतर होने की बेटा, मेरे अंदर मुझे बहुत संभावना नजर आती है, आपके अंदर भी, आप भी अच्छे हो सकते हो जी। तो ये इसका मुझे लगता है ठीक रहेगा। सर बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने so kind, इतना अच्छे तरह से समझाया है चीजें की,
बहुत ही इजी लग रहा है करना, और कोशिश करेंगे कि हम आपके बताए हुए बेस पर चले और कोशिश करेंगे कि फिर से जुड़े आपसे। और कभी अगर ऐसा हो कि आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे भी स्टूडियो के लोगों को योगा का शिविर फ्री में सिखाएं क्योंकि आप फ्री में हाँ देते नहीं, क्यों हैं नहीं बेटा, क्यों नहीं, क्यों नहीं, नो तो हम प्रॉब्लम, माय जरूर प्लेजर, इट विल बी माय प्लेजर, कोई प्रश्न नहीं है बेटा, कोई जी कोई इसमें कोई गुंजाइश नहीं है और जी कोई संकोच भी नहीं है मुझे, ठीक है जी ना। जो ही कोरोना का सारा आना जाना हाँ बिल्कुल कंफर्टेबल सही हो हो जाए जाए तो उसके हम बाद। जरूर वापस मिलेंगे आपके योग शिविर से। हाँ, और धन्यवाद बेटा मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, जी एक चीज जी और बताना चाहता हूँ बेटा, जी हमारा यूट्यूब जो चैनल है जी उसमें हमने योग की काफी सारी छोटी छोटी क्लिप्स दस डाले दस हैं मिनट की वीडियोस डाल रखी है। आचार्य प्रेम भाटिया के नाम से जो योग चैनल है हमारा, जी उसमें हमने काफी सारी वीडियो डाल रखी है, जी उसका फायदा उठा सकते हैं लोग। अच्छा हमारा कोई कॉपी राइट नहीं है मेरे बेटा, हम सब कॉपी लेफ्ट है, सबके लिए लेफ्ट है, सबके लिए अवेलेबल है, ठीक हमारे देखने वाले है। सभी व्यूवर्स से हम चाहेंगे कि श्री आचार्य प्रेम भाटिया जी का जो सब्सक्राइब चैनल है यूट्यूब पे उसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वे फ्री शिविर देते हैं तो कोई भी व्यूवर्स कोरोना के बाद जब सब कुछ सामान्य हो जाएगा वो चाहे तो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और उनका यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ से भी आपको बहुत सारे ऐसे टिप्स मिल जाएंगे जो आपको सिखाएंगे कि कोरोना जैसी महामारी को यूं चुटकी से हटाया जा सकता है। और धन्यवाद सर। यस सर, थैंक यू करेक्ट, सर। थैंक यू बेटा, थैंक नमस्कार यू, सर। थैंक यू, गॉड नमस्कार। ब्लेस यू, थैंक यू।